अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अलीम फ्राम स्किल्स अकेडमी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे आर्टिकल साइट लिंक्स। तो आपने वेबसाइट साइट लिंक्स के ऊपर तो मेरी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आर्टिकल साइट लिंक्स बेसिकली एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर अभी तक हमने कोई वीडियो नहीं बनाई। तो आर्टिकल साइट लिंक्स ये होते हैं, ये आर्टिकल के नीचे शो होते हैं। तो इसकी वजह क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स यूज़ करने की वजह से शो होते हैं, इसका कोई स्कीमा वगैरह कोई चीज़ नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ टेबल ऑफ कंटेंट्स की वजह से शो होते हैं। तो इसके लिए एक प्लगइन है जिसका नाम है इजी टेबल ऑफ कंटेंट। इसे आप इंस्टॉल करेंगे, एक्टिवेट। तो अब हम इसे करेंगे कॉन्फ़िगर, यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट्स। अच्छा जी, उसके बाद हम इसे कहाँ कहाँ पे अनेबल करेंगे। तो पोस्ट और पेजेस पे अनेबल होगा। अब हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी पोस्ट या पेजेस पे ये ऑटो ऐड हो जाए, तो हम दोनों पे कर देते हैं। लेकिन रेकमेंडेड तो यही है कि आप सारी पोस्ट को देख के तो फिर ऐड करें। अच्छा जी, उसके बाद कितनी हेडिंग्स हो तो ये ऐड होना चाहिए, 4 बिफोर द फर्स्ट हेडिंग। उसके बाद अगर आपने इसका ये लेबल चेंज करना हो तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपने इनके साथ कोई स्पेशल नंबर वगैरह लिखना हो तो। उसके बाद इसकी अपीयरेंस, इसकी विड्थ सेलेक्ट कर सकते हैं आप, और कस्टम विड्थ। उसके बाद ये फ्लोट लेफ्ट हो या राइट। उसके बाद इसका फॉन्ट साइज, थीम, उसके बाद यहाँ से इसके कलर और ये इसकी है आईडी। यहाँ से ये ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो वो डैश की बजाय वो दूसरी डैश इस्तेमाल होगी। उसके बाद ये होम पेज पे अगर आपने दिखाना हो, और अगर इसके एंकर्स को आपने लोअर केस करना हो तो उसके लिए ये। उसके बाद ये ऑप्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, मतलब यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी हेडिंग्स होनी चाहिए। तो बेहतर तो वैसे ये होता है कि सिर्फ H2 के लिए हो। यहाँ से अगर आप किसी किस्म की हेडिंग को एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो आप वो एक्सक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद सेव चेंजेस, अब यहाँ से अपना आर्टिकल ओपन करेंगे। सॉरी, ये क्लासिक एडिटर ओपन था और सॉरी इंस्टॉल था, तो इसे डिसेबल कर दिया। अब हम दोबारा ओपन करेंगे। तो अब हम यहाँ से कस्टम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, H2, H3। असल में इसके लिए ये स्पेशल स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। जिसमें इनकी जो प्रोडक्ट की हेडिंग्स होती हैं वो भी H2 होती हैं। और इनकी जो मेन हेडिंग है वो भी H2 होती है।
तो अगर आप ये स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हो तो फिर तो 100% चांसेस होते हैं इसके शो होने के। लेकिन अगर आपका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट हो तो फिर थोड़े चांसेस कम होते हैं, मतलब इस वक्त मेरे ख्याल से इसके कम से कम 25 से 30% होंगे। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक चांस है कि शो आप इसे ज़रूर यूज़ करें। और ये तो अपने सारे आर्टिकल्स में इसे यूज़ करते हैं, और इनके जितने भी आर्टिकल हैं वो सब में ये शो होता है। तो वीडियो देखने में शुक्रिया, उम्मीद है आपको न्यू चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अल्लाह हाफिज़। स्किल्स अकेडमी से सीखें कोई भी स्किल बिल्कुल मुफ्त, वर्डप्रेस, एसईओ, गेम डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट और किसी भी किस्म का स्किल। अगर आपके पास मोबाइल डिवाइस है तो वहाँ पे आप स्किल्स अकेडमी की ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और कोई भी कोर्स देख सकते हैं बिल्कुल मुफ्त। अगर आपको किसी भी किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करें एसईओ मास्टर्स अकेडमी और वहाँ पे अपने क्वेश्चंस पोस्ट करें।